12th अक्टूबर सैटरडे 2024 दशहरे के दिन जो आपके स्क्रीन पे जिसमें बताया गया है कि उल्लासनगर बिल्डिंग्स रेगुलराइजेशन फॉर्मेट रिजॉल्व्ड। इतना बड़ा आर्टिकल आया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उल्लासनगर में बहुत ही ज्यादा इलीगल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। अनकरीब 27,000 बिल्डिंग है उल्लासनगर में जो इलीगल है, जिसमें 5,00,000 फैमिलीज रहती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बताया गया है कि विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए ये जो इलीगल बिल्डिंग्स थी इसको रेगुलराइज करने का एक फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिए कि मिनिमम पेनल्टी पे ये इलीगल बिल्डिंग को रेगुलराइज किया जाए। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जरा खौफजदा था कि हम किसके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड बनाए, तो गवर्नमेंट ने उसमें भी सहूलत कर दी। स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मेट दिए कि आप इसके तहत ये जो 27,000 इलीगल बिल्डिंग है उल्लासनगर में, जिसमें 5,00,000 सिटीजन रहते हैं, फैमिलीज रहती है, तो उसको आप रेगुलराइज कर दीजिए। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी विधानसभा के इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि महायुति की हालत बहुत खराब है। भले ही हरियाणा का रिजल्ट देख के बीजेपी में खुशी की लहर है, लेकिन सब समझ रहे 20 सीट पे बड़ा गोलमाल हुआ है, ईवीएम में बड़ा गोलमाल हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन यहां पे जब उल्लासनगर की 27,000 बिल्डिंग को रेगुलराइज किया जाएगा जो इलीगल है, तो हम मुंब्रा के रहने वाले से भी कहेंगे, उल्लासनगर भी थाना डिस्ट्रिक्ट में है और मुंब्रा भी थाना डिस्ट्रिक्ट में, मुंब्रा की 85% से ज्यादा रहने वाले मुसलमान है, और वहां का जो सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड ओल्ड लाइक सीएम ऑफ मुंब्रा, उसकी वो पोजीशन है, वो शख्सियत है, शरद पवार एक तरीके से बेटा कहा जाता है। अब जबकि आचार संहिता का डिक्लेरेशन अनकरी हो चुका है 15 अक्टूबर से, और विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि नवंबर में लामौला हुकूमत बनाना ही बनाना है, तो मैं मुंब्रा के रहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस विधानसभा के इलेक्शन में प्रेशराइज कीजिए आपके एमएलए को, जितेंद्र अवार्ड को प्रेशराइज कीजिए, उससे वादा लीजिए कि मुंब्रा की भी जितनी सारी इलीगल बिल्डिंग है उसको रेगुलराइज करेंगे लाइक के उल्लासनगर, क्योंकि वहां का जो बीजेपी का एमएलए है कुमार एलानी, वो ये ठोक के कह रहे हैं कि ये कदम बहुत अच्छा है। जब उल्लासनगर में 27,000 इलीगल बिल्डिंग रेगुलराइज हो रही है, लीगल हो रही है, तो मुंब्रा की भी सारी बिल्डिंग रेगुलराइज होना चाहिए, और वहां के रहने वाले जितेंद्र अवार्ड से प्रॉमिस लो और उससे कहो अगर आप हमारी सारी बिल्डिंग को रेगुलराइज नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, देखो कैसे वो रस्ते पे आता है, लिखित में प्रॉमिस लो, क्योंकि इस वक्त मुकाबला बहुत कठिन है। दो दो शिवसेना लड़ने वाली एक जगह से, दो दो एनसीपी लड़ने वाली एक जगह से, तो जितेंद्र अवार्ड को भी इस वक्त रात को नींद नहीं आ रही होंगी, और ये हमारा फर्ज है, मुंब्रा के रहने वालों का फर्ज है, क्योंकि मेरा भी वहां घर है, मैं भी फुल्ली प्रेशराइज करूंगा जितेंद्र अवार्ड को कि आप हमें लिखित में दीजिए कि मुंब्रा की सारी इलीगल बिल्डिंग को आप रेगुलराइज करें, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उल्लासनगर की 27,000 बिल्डिंग को रेगुलराइज करी। दोस्तों ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।